अभी जिम जाना है एंड लकली मुझे इस वीक में 3 दिन का स्लॉट मिल गया है। जब से कोरोना हुआ है तब से यहाँ पे क्या है, आपको वो प्री बुकिंग करनी पड़ती है अपने स्लॉट की। तो जिस दिन भी जाना है उसकी प्री बुकिंग करिए, अगर आपको मिल गया तो आप उस दिन जिम में जा सकते हैं, अगर नहीं मिला तो नहीं मिलता। बट लकली आई हैव 3 स्लॉट्स, तो जल्दी से आते हैं और वर्कआउट फिनिश करते हैं। ऐसा है कि मैंने पूरा ब्लॉग एक बार शूट कर लिया था पर मज़ा ही नहीं आया, फिर हो रहा था कि कल डाल दूंगा, पर अक्षय कुमार ने कहा दोस्त कि अगर आज का काम कल पे छोड़ दोगे तो कल नाराज हो जाएगा, तो चलो फिर से करते हैं। तो शुरू करते हैं भाई। और आज क्या हुआ कि मैं जिम में एक्चुअली अपना वीडियो शूट करना चाह रहा था कि थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज का वीडियो शूट कर लूँगा और आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आप भी बता पाओगे कि भाई सही कर रहा है ना यार तू, यार कैसे कर रहा है। तो पर वो हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मैं अकेले वर्कआउट करता हूँ, कोई साथ में हल्का सा वीडियो शूट करने वाला होता नहीं। एंड कहीं रख दो फ़ोन को तो क्या होता है, अगल बगल वाले डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनको लग रहा है उनको फिल्म कर रहा हूँ, तो दैट इज़ नॉट गुड ऑन माई पार्ट कि मैं उनकी प्राइवेसी में इंटरफेयर करूँ, तो इसलिए नहीं कर पाया। पर मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया था, फिर ब्लॉग में ना फील नहीं आ रही थी मेरे को आज, तो मैंने पूरा ब्लॉग शूट किया, ये भी शूट किया जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं पोस्ट करने की सोच रहा था, पर आप बैठते हो और फिर आपको ही देखने का मन नहीं कर रहा, तो कोई और क्यों देखेगा। ठीक है, खैर अब बात करते हैं भाई इवियान की। ठीक है, अब इस पानी के बारे में बात करेंगे और मैं इसको 3 फैक्टर्स में डिवाइड कर दूंगा। पहला है टेस्ट, दूसरा है इसके कंटेंट, क्या इसमें ऐसा है जो इसको इतना महंगा बनाता है, एंड तीसरा इसकी कॉस्ट। ठीक है, मैं इस पर लैंड कैसे हुआ, आजकल हम लोग यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ देख रहे हैं, एटलीस्ट मैं बहुत सारी वीडियोज़ देख रहा हूँ, तो उससे क्या होता है कि आप कुछ सर्च करते हो फिर उसकी जगह कुछ और सजेस्ट होता है, फिर कुछ और सजेस्ट होता है, एंड अल्टीमेटली आई लैंडेड ऑन अ वीडियो जहाँ पे वो बता रहा था कि विराट कोहली इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट हिज वाटर एंड वो बस इवियान का पानी पीते हैं। तो फिर क्या था, फिर मैंने भी खटाखट गूगल सर्च किया कि यहाँ पे पानी मिलता है क्या, एंड लकली यहाँ पे पानी मिलता है, तो अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया एंड मैंने बड़ी बहुत सारी बॉटल्स ले ली थी, 15 बॉटल ले ली थी अराउंड, एंड 1.25 लीटर की एक बॉटल होती है जो कि ऑलमोस्ट 1 वीक लास्ट करती है, तो मैंने वो पूरी बॉटल थ्रू आउट कंज्यूम करी। तो उस बेसिस पर मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ आपको। ठीक है, पहली चीज़ टेस्ट कैसा है, अगर आप टेस्ट की बात करो तो एक सिप ले लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड वाटर है एंड नॉट हार्ड वाटर है, थोड़ा सा हैवी पानी है जो मुझे फील हुआ, एंड इससे एक चीज़ मुझे लगी, एट टाइम्स जब मैं बहुत ज़्यादा चल रहा होता हूँ एंड देन आई हैव इट, तो मेरी प्यास बहुत जल्दी बुझ जाती थी। मे बी दिस इज़ अ गुड थिंग, मे बी दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, मैं बस आपको बता रहा हूँ जो मुझे फील हुआ। तो प्यास बहुत जल्दी बुझ जाती थी, थोड़ा सा हैवी लगता है पानी, एंड इसमें टेस्ट वाइज इट्स नॉर्मल, बस ऐसा लगता है जैसे पहाड़ का पानी है, तो एंड विच एक्चुअली जो कि ये है, दिस इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्प्स, तो सोर्स वही है, सो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन्स। और फिर दूसरी बात करते हैं, दूसरा है कि इसका कंटेंट। अब कंटेंट में 2 चीज़ें, एक इसका पीएच बहुत न्यूट्रल होता है जो कि अच्छी बात है, पर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी चीज़ नहीं है, जितना भी हम मिनरल वाटर इंडिया में होते हैं नॉर्मली सारे ऑलमोस्ट न्यूट्रल होते हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ देम आर प्रिटी क्लोज टू बीइंग एग्जैक्टली न्यूट्रल, तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये है कि इसमें कंटेंट में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, क्यों, क्योंकि ये नेचुरली एक्सट्रैक्टेड वाटर है, तो एल्प्स पे बारिश होती है भाई, वो पानी नीचे आता है जो कि एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं,
एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस में उसमें कोई केमिकल्स यूज नहीं होते हैं, डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन है, तो उस वजह से ये बहुत मिनरल रिच पानी है। ऐसा अपने पास भी तो है यार, हिमालय का पानी भी जो है दैट इज ऑल्सो सिमिलर, बेस्ड ऑन अ सिमिलर कॉन्सेप्ट कि वहाँ पे बारिश होती है, बर्फ होती है एंड दैट मेल्ट्स, तो वो जब नीचे आता है वी स्टोर इट एंड वी एक्सट्रैक्ट इट। तो आई फील दोनों का कॉन्सेप्ट सिमिलर है और थोड़ा सा बाहर की ब्रांड है तो थोड़ी सी हाइप होती है भाई, और हम लोग को बाहर की चीज़ें बहुत पसंद है, बट आई थिंक हिमालयन में भी यही कॉन्सेप्ट है एंड वो वाटर भी अच्छा होगा। तीसरी बात करते हैं कॉस्ट की, बहुत महंगा पानी है भाई, क्या बात कर रहे हैं, लौंडे खाना खाते हैं इतने का पूरे दिन में, उतना महंगा पानी है ये। बट क्या चीज़ें हैं जो इसको महंगा बनाती हैं, पहली चीज़ है फ्रेंच ब्रांड है तो, एंड एक टाइप का डिज़ाइनर ब्रांड है पानी में, आप ही समझ लो, इट्स अ वेरी हाइप्ड ब्रांड, दे इन्वेस्ट अलॉट ऑन देयर एडवर्टाइजिंग, दे इन्वेस्ट अलॉट ऑन देयर पैकेजिंग, द बॉटल्स आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल, तो एक रीज़न ये है कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। और टू बी फ्रैंक, अगर मैंने एक हफ्ता पिया कोई खास मुझे तो डिफरेंस पता नहीं लगा। हाँ, आपका एक हैबिट बन जाती है बिकॉज यू नो आपको इतना पानी एक दिन में पीना एंड यू हैव दैट स्टोर्ड इन 3 डिफरेंट बॉटल्स, तो आप कॉन्शियसली पानी पी रहे होते हो, सो दैट्स अ गुड थिंग। बट ऐसा नहीं है वो आपको मिनरल वाटर पीने से या बॉटल वाटर पीने से उसकी आदत होगी, पर हाँ कॉस्ट वाइज इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव। यहाँ भी इट वाज रेडली अवेलेबल, इंडिया में शायद उतना रेडली अवेलेबल नहीं है, बट इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव यहाँ भी, एंड एडवर्टाइजिंग बीइंग अ फ्रेंच ब्रांड और वहाँ से पानी हर जगह आता है, सो देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दैट इज एडेड टू इट, उस वजह से ये इतना पानी महंगा हो जाता है। आपको पीना चाहिए नहीं दोस्त